चाहे वो शेर भी मरा हो, कोई खतरनाक से खतरनाक जानवर हो, उसको कोई पत्थर नहीं मारता। जिनमें जिंदगी हो, जिनमें जिंदगी का हरारत हो, जो आंख मिलाकर बात कर सकते हो, साथ मैं आपसे और अपने काय के दरमियान ज्यादा वक्त नहीं रहे। ये कुछ मकामी मसाइल थे, मैंने अपने कायद के सामने इनका से गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं और मुख्तसर तौर पर अली बाबा सागर साहब इज्जत में आप जनाब यहाँ छे बहुत सारे इलाके छः छः महीने जो है बर्फ के नीचे रहते हैं, एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। पिछले महीने जो बर्फ पड़ी उससे पूरा कश्मीर का फ्रूट और फसल जो है तबाह हो गई। बाहर के लोग हैं, पूरी रियासत को उनके हवाले कर दिया है, ना उनको डोडा की फिक्र है, डोडा की फिक्र है, वो बैठ के ऐशो इशरत की जिंदगी यहाँ बसर कर रहे हैं। आराम से आप लोग सेट हो जाए। एक सेकंड, इसको बोलो चुप करें यार। अमरनाथ से पहले इलेक्शन की बात हो रही है और आपकी पार्टी कितनी तैयार है? अगर देखा जाए डिलिमिटेशन की मीटिंग सिर्फ एक ही बार यहाँ पर हुई है, लेकिन आप अंदर अंदर से बीजेपी को फायदे दे। इलेक्शन की तैयारी करना और इलेक्शन कराना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारे इलेक्शन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा डिले हुए हैं। 2014 में इससे पहले असेंबली के इलेक्शन हो गए थे, अब 7 साल हो गए हैं इलेक्शन को किए हुए। हम तैयार हैं, जैसे ही इलेक्शन का ब्यूगल बजेगा हम अपने उम्मीदवार जो हैं मैदान में उतारेंगे और उसके बाद लोगों तक है ना, लोग हमारे साथ कहां तक चलने के लिए तैयार होंगे हमें उनको कन्विंस करना है उसके लिए। जहाँ तक डिलिमिटेशन का सवाल है, डिलिमिटेशन सियासी बुनियाद पर नहीं की जानी चाहिए। डिलिमिटेशन के लिए बेसिस सिर्फ और सिर्फ आपका सेंसस है। सेंसस के डेटा के मुताबिक आप लोग वो भी 2011, क्योंकि इस साल का सेंसस हुआ नहीं है, 2011 के सेंसस के मुताबिक जो डेटा कहे उस हिसाब से आप फैसले कर लीजिए, उसमें फिर किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। आप उमर अब्दुल्ला इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं? लेकिन आपको डोडा से उसमें क्या मतलब है ना? नहीं लड़ना चाहिए आप, वो तो आप उससे अब उससे डोडा को क्या लेना देना? मैं कश्मीर वहाँ बीरवा से इलेक्शन लड़ा हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा उससे डोडा में क्या है? आपकी पार्टी जम्मू कश्मीर के हवाले से बताती है कि हम हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के साथ हैं और कश्मीर में कहते हैं कि कश्मीर हमारा, जैसे कि आपका तराना है कि लहराएगा कश्मीर का झंडा, लहराएगा हिंदुस्तान का झंडा क्यों नहीं लहराएगा? किसने कहा हिंदुस्तान का झंडा नहीं लहराएगा? मगर आपका तराना यही है ना कि लहराएगा कश्मीर का झंडा। हां तो जम्मू कश्मीर का भी झंडा लहराता है ना, मतलब इससे आपका कहना चाहिए? हमारे दो झंडे थे लेकिन हमने अपने झंडे को लहराते हुए क्या हिंदुस्तान का झंडा नीचे किया? आप मुझसे सवाल कर रहे हो क्या 15 अगस्त को मैंने कौन सा झंडा चढ़ाया ना? मुल्क का चढ़ाया या रियासत का चढ़ाया? क्या चढ़ाया मैंने? नहीं ना मैं कौन सा झंडा चढ़ाया मैंने? हिंदुस्तान का झंडा। बस ठीक है, 26 जनवरी को कौन सा झंडा चढ़ाया मैंने? हिंदुस्तान का। ठीक है, और फिर 13 जुलाई को कौन सा झंडा चढ़ाया मैंने? हिंदुस्तान। ठीक है, एक नाम सुने तराने में क्यों है? क्योंकि हमारा रियासत का झंडा है ना, हमारा हक है उस रियासत के झंडे को लहराना, वो पार्टी का तराना है। मैं समझा नहीं, क्या डीजीपी का एक बयान आ रहा है बीजेपी का डीजी पुलिस हाँ
का ये कहना है कि कश्मीर में कुछ पार्टियां जो लोगों को उकसा रही हैं उनका निशाना आपकी पार्टी और पीडीपी पार्टी है। मैं कह नहीं सकता हूं, आप ये सवाल आपको डीजी साहब से करना होगा। हमने ना कभी लोगों को उत्साया है ना आगे भी हमारा लोगों को उत्साहने का कोई प्रोग्राम है।